जॉर्जिया वेरहम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम में एक गेंदबाज ऑलराउंडर की भूमिका निभाती है। इन्होंने सितंबर 2018 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम जॉर्जिया ली वेरहम है और इनका जन्म 13 मई 1999 टेरंग विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इनके पिता का नाम वेस वेरहम और इनकी माँ का नाम मैग वेरहम है और इनका एक भाई है जिसका नाम एसेक वेरहम है। जॉर्जिया वेरहम दाएं हाथ की बैटर और दाएं हाथ की लेग ब्रेक बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बॉलर ऑलराउंडर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 35। जॉर्जिया वेरहम की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 50। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 29 सितंबर 2018 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 139। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 18 अक्टूबर 2018 पाकिस्तान के खिलाफ खेला और टेस्ट में इनकी कैप नंबर है 180। इन्होंने अपना पहला टेस्ट इंटरनेशनल मैच 30 सितंबर 2021 इंडिया के खिलाफ खेला और जॉर्जिया वेरहम डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर मेलबर्न रेनेगेड्स, विक्टोरिया और WPL गुजरात जायंट्स टीम से खेलती हैं। जॉर्जिया वेरहम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया से बैचलर ऑफ डिजिटल मीडिया में पढ़ाई कर रही है। इन्हें बचपन से कई खेलों के प्रति दिलचस्पी थी जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल और 6 साल की उम्र से स्थानीय क्रिकेट क्लब में इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और अपने भाई के साथ लड़कों की टीम में खेलती रही। फिर विक्टोरिया महिला अंडर 15 और अंडर 18 में प्रवेश किया और विक्टोरिया टीम का प्रतिनिधित्व किया। अपने घरेलू प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली प्रदर्शन ने इन्हें ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ग में स्थान मिला और अप्रैल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के अंडर 19 क्रिकेट दौरे में पदार्पण किया जहां इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 मैच खेले और 6 मैचों में 9 विकेट लिए जिसमें 17 रन पर 4 विकेट के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े शामिल हैं। फिर 2018 में मेलबर्न रेनेगेड्स टीम में महिला बिग बैश लीग में जॉर्जिया वेरहम को खेलने का मौका मिला और यहाँ भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी बदौलत इन्हें सितंबर 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में शामिल किया गया और 29 सितंबर 2018 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण किया और अपना पहला T20I विकेट लिया। उसके बाद 18 अक्टूबर 2018 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी किया जिसमें इन्होंने 5 ओवर डाले और 2 विकेट लिए। फिर अक्टूबर 2018 में वेस्ट इंडीज में ICC महिला विश्व 2020 टूर्नामेंट के लिए इन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में नामित किया गया और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा बनी। उसके बाद 2019 में महिला एशेज प्रतियोगिता के लिए और 2020 ICC महिला T20 विश्व कप के लिए इन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम स्क्वाड में शामिल किया गया और 30 सितंबर 2021 को भारत के खिलाफ जॉर्जिया वेरहम ने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की जिसमें अपने टेस्ट डेब्यू पर 2 पारियों में 11 ओवर किए और 1 विकेट लिया। भारत की शेफाली वर्मा इनका पहला टेस्ट विकेट है। और अब 2023 से WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स टीम से खेलेंगी। तो हम जॉर्जिया वेरहम के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि ये इससे भी और अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना और अपने परिवार का नाम और रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।